शालोम, यीशु अपने पैरोकारों से अपने लिए मुकम्मल भरोसा और मोहब्बत चाहता है। वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। मुकदस मत्ती पांचवें बाब में जो यीशु ने पहाड़ पर वाज शुरू किया था, वो सातवें बाब के आखिर में खत्म पजीर होता है। और मुकदस मत्ती आठवें बाब में यीशु को पहाड़ पर से उतरते हुए दिखाता है, जिसका मतलब है कि मुकदस मत्ती अब यीशु के अमली कामों पर कारीन की तवज्जो मबजूल करवाना चाहता है। यीशु जब पहाड़ पर से उतरते हैं तो उन्हें एक कोड़ी मिलता है जो यीशु को शाफी जानकर उस पर मुकम्मल ईमान लाता है। और यीशु ने ना सिर्फ उसे शिफा दी बल्कि उसे छूकर उस पर बड़ी शफकत का मुजाहरा भी किया। जबकि यहूदी और फकीह फरीसी कोड़ियों को छूना तो दूर की बात बल्कि उनको दूर ही से भगा देते थे। फिर एक सूबेदार जो रूमी सिपाही था और गैर कौम में से था, यीशु के पास आता है और यीशु उसे अपने पास ना सिर्फ आने देते हैं बल्कि उसके घर चलने का भी कहते हैं। लेकिन सूबेदार ने खुदावंद के सामने आजिजी से अपने आप को इस लायक ना समझा। अजीजो, याद रखिए, यहूदियों के लिए गैर कौम के लोग ऐसे ही थे जैसे कोई नापसंदीदा जानवर, इसलिए वो इनसे मेल मिलाप नहीं रखते थे। पर यीशु ने सूबेदार को अपने पास आने का और अपने ऊपर ईमान लाने का पूरा मौका दिया। यहाँ तक कि सूबेदार के ईमान के आगे यीशु ने इसराइल के ईमान को भी कम पाया। इस तरह उस सूबेदार के नौकर ने इसी लम्हे शिफा पाई। फिर यीशु ने कफरनहूम शहर में पतरस की सास और बहुत से लोगों को शिफा दी। यीशु के ये अमाल उसकी हमदर्दी और पूरी मोहब्बत को जो उसे दुनिया से थी जाहिर करते हैं। इन वाक्यात के बाद यीशु के पास दो ऐसे अशख़ास आते हैं जो उसके साथ रहने और साथ चलने की बात करते हैं, लेकिन यीशु की सख्त बातें सुनकर साथ चल नहीं पाते, क्योंकि इन सब के बदले यीशु ने दुनिया से कुछ ज़्यादा नहीं चाहा, ना कोई कीमत चाही, ना कोई जान चाही, बल्कि उसने चाहा तो सिर्फ इतना कि उस पर मुकम्मल भरोसा और उससे मुकम्मल मोहब्बत की जाए। आज भी यीशु हमसे यही चाहते हैं। आज यीशु हमारे अंदर होते हुए हमारे साथ हैं। वो आज भी गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम में रहकर। अब ये हम पर निर्भर है कि हम यीशु को उसका काम करने देते हैं या नहीं, क्योंकि हम भी आज इन इशहास की तरह यीशु के साथ चलने और साथ रहने की बात तो करते हैं, लेकिन उसके साथ चलने और साथ रहने की हम में हिम्मत नहीं। हम आज यीशु पर ईमान के बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन इन दावों में कोई हकीकत नहीं होती। आज हम उसके नाम पर बड़े बड़े मोजज़े तो करते हैं, लेकिन उससे मुकम्मल मोहब्बत नहीं करते। इसीलिए यीशु ने मत्ती सातवें बाब उसकी 22वीं आयत में कहा कि उस वक़्त बहतेरे मुझसे खुदावंद खुदावंद कहते हुए आएंगे और कहेंगे कि हमने तेरे नाम में बहुत कुछ किया। पर यीशु उस वक़्त उनसे कहेंगे कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना रही है। अजीजो, यीशु ऐसा क्यों कहते हैं? आखिर वो बड़े बड़े खादमीन का इनकार क्यों कर देंगे? आखिर उनसे ऐसी क्या बात सरजद हुई जिस पर यीशु ने उनको अपनाने से इनकार किया? अजीजो, वो खालिस मोहब्बत है जो उन्होंने यीशु को नहीं दी। सूबेदार की मोहब्बत और ईमान को देखिए, कोड़ी के ईमान को देखिए, और फिर उस शख्स को देखिए जो यीशु से मोहब्बत तो करने की बात करता है, लेकिन साथ में दुनिया की मोहब्बत को भी दिल से नहीं निकालता। अजीजो, यीशु को मुकम्मल 100% मोहब्बत चाहिए। अगर हम अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों या दौलत वगैरह को यीशु के साथ या उससे ज़्यादा तरजीह देंगे तो यीशु के हम लायक नहीं। और अगर हम यीशु के लायक बनते हैं तो फिर कोई भी तूफान हमारी ज़िंदगी में क्यों ना आए, हमें खौफ में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु तूफानों को डांटने और उनको थमाने के लिए हमारे साथ ज़िंदगी की कश्ती में मौजूद है। हमें आज फक्त उस पर ईमान और मुकम्मल भरोसा रखना है। खुदावंद इस कलाम से आप सबको बरकत अनायत करें। आमीन। और मैं दुआगो हूँ
कि आपका आज का दिन खुदावंद में मुबारक और बाबरकत हो। सलामत रहें।